This meeting is being recorded. नमस्कार, आप सबका स्वागत है नास्को के YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर रुचिता पटेल आप सबका स्वागत करती हूँ। नेशनल अलायंस ऑफ सिकल सेल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे एक सिकल सेल संवाद हम कड़ी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग एक्सपर्टीज से बात करेंगे। आज हमारे साथ है डॉक्टर अभिनव केसरकर सर, जो कि नागपुर से हैं। ही इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। उन्होंने फेलोशिप किया इन रोबोटिक सर्जरी, रिप्लेसमेंट सर्जरी नी, हिप एंड नी में, फ्रॉम लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल पुणे, फेलोशिप इन स्पाइन सर्जरी एंड कंप्लीटेड ट्रॉमा सर्जन। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे आज सिकल सेल में एवियन हिप वो क्यों होता है, और सिकल सेल पेशेंट में काफ़ी सारे हमने पेशेंट देखे हैं जिसमें काफ़ी सारे केसेस हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि सिकल सेल में एवियन क्यों होता है? जी सबसे पहले मेन चीज़ तो यह है कि आपको बीमारी समझनी होगी कि एवियन क्या है। सिकल सेल तो एक रीज़न है या एक कॉज है एवियन होने का, लेकिन एवियन क्या है? सो बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको एक डेमो भी बताता हूँ। तो ये अपना पेल्विक बोन है, ठीक है, और ये हमारा फीमरल हेड है। अब क्या होता है, जब तक एवरीथिंग इज नॉर्मल, जब आपको एवियन नहीं हुआ है, आप जब चलते हो फिरते हो ये मूवमेंट्स होते रहती है ये जॉइंट के ऊपर, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज एवियन में कि ये जो बॉल है आपके हिप जॉइंट का, आपके कूल्हे का, इसको ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, और ये ब्लड सप्लाई कम हो जाता है इसीलिए एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर हेड। एवास्कुलर मतलब देयर इज नो ब्लड फ्लो, वहां पे खून नहीं पहुंच रहा है, और उसकी वजह से बोन डेथ या फिर नेक्रोसिस होता है यहाँ के हड्डी का, यहाँ के बोन का, और हेंस वी लैंड अप इन अवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर हेड। अभी सिकल सेल में बेसिकली क्या होता है कि सिकल सेल में आपके जो ब्लड सेल्स है, आरबीसीस है, वो ऑलरेडी पैथोलॉजिकल है, तो जो ब्लड सेल्स वहां पे पहुंच रहे हैं वो ब्लॉक कर डालते हैं वो ब्लड वेसल को या फिर रक्त वाहिनी को, उसको ब्लॉक कर देते हैं, और उसकी वजह से वहां का ऑक्सीजन टेंशन कम हो जाता है। अब जब खून ही बराबर नहीं पहुंच रहा है, वहां के ब्लड वेसल्स ब्लॉक्ड है और वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, तो कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू यहाँ भी कम हो जाती है, और उसकी वजह से यहाँ का बोन जो है वो सड़ना चालू हो जाता है या फिर नेक्रोस होना चालू हो जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर। जी सर, मैं पता चला। अभी सर मुझे पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे मैं खुद सिकल सेल वॉरियर हूँ और मुझे भी सिकल सेल में एवियन हिप हुआ है, तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए सिकल सेल के पेशेंट्स में वैसे स्ट्राइक रेट ऑफ हैपनिंग एवियन इन अ लाइफ टाइम इज मोर, मतलब लगभग 80 to 90% of the patients जो सिकल सेल के होते हैं at some point of time they will have this AVN. अभी एक चीज जो आप कर सकते हो कि इसको prolong करने के लिए या ये ना हो आपको इसके लिए, that is hydroxyurea, जो आपका एक normal treatment pattern जो होता है, hematological workup या hematological treatment जो होता है इसका, वो आपको continue रखना है, क्योंकि hydroxyurea क्या करता है, fetal hemoglobin बढ़ाता है, तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन अ सिकल सेल पेशेंट बढ़ जाती है, तो फिर ये सब चीजें थोड़ा सा अवॉइड होगी आपको। लेकिन आइदर वेज सिकल सेल के सिर्फ उतना ही, सिकल सेल के पेशेंट में एवियन होने का सिर्फ उतना एक ही रीजन नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसा अभी रिसेंट स्टडीज में पाया गया है कि जो हिप जॉइंट के यहाँ के जो ब्लड वेसल्स है वो ऑलरेडी सिकल सेल के पेशेंट्स में थोड़े से पैथोलॉजिकल होते हैं, थोड़े खराब रहते हैं। इसके वजह से देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ऑल सिकल सेल पेशेंट, भले वो एसएस पैटर्न रहे या एएस पैटर्न रहे, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनको ये एवियन होने के चांसेस नॉर्मल लोगों से ज्यादा रहते हैं। लेकिन अगर आप पूछोगे कि सिकल सेल के पेशेंट्स को छोड़ के बाकी के जो लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं जिनको सिकल सेल नहीं हुआ है, उनमें व्हाट यू कैन डू टू प्रिवेंट, सो इम्पोर्टेंटली चीज जो आज के डेट में इंडिया में जो मोस्ट कॉमन रीजन है सिकल सेल अपना एवियन होने का, दैट इज स्टीरॉयड, स्टीरॉयड अब्यूज। क्योंकि कैसे बहुत सारे लोग स्टीरॉयड्स, स्पेशली जिम गोर्स है या फिर वजन बढ़ाने के लिए स्टीरॉयड लेते हैं, कुछ लोग ओवर द काउंटर स्टीरॉयड्स लेते हैं,
या फिर किसी न्यूरोलॉजिकल या और किसी बीमारी के लिए स्टेरॉइड लेते हैं। ये रीजन बहुत कॉमन है इंडिया में एवियन होने के लिए। मैक्सिमम पेशेंट्स जो ओपीडी में प्रेजेंट करते हैं, अराउंड 90% ऑफ द पेशेंट्स नॉन सिकल सेल पेशेंट्स, दे हैव हिस्ट्री ऑफ स्टीरॉयड इनटेक या फिर स्टीरॉयड की कुछ दवाई चलती रहती है उनको किसी और चीज बीमारी के लिए। अभी कैसा है, अर्ली स्टेजेस में डेफिनेटली एवियन को हम बचा सकते हैं, जॉइंट को बचा सकते हैं, बट यूजुअली दिस पेशेंट्स बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं ओपीडी में। बाय द टाइम उनका एवियन स्टेज 3 या स्टेज 4 में रहता है, एंड दैट टाइम उसको बचाना मुमकिन नहीं है। थैंक यू सर। अगर एवियन हो गया है कोई पेशेंट को, तो फिर सर क्या हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं? देखिए, एक नॉर्मल पैटर्न समझिए एवियन के पेशेंट जो जिनको एवियन होता है उनमें। अगर समझ लो एक पेशेंट है जिसे आज से दर्द चालू हो जाता है, एवियन में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेशेंट को चल भी नहीं पाते हैं, करवट भी नहीं बदल सकते हैं। ये वो स्टेज है जब आपकी हड्डी फिर भी अच्छी है, सड़ी नहीं है पूरी तरह से, लेकिन वहाँ का ब्लड सप्लाई कम हो गया एकदम अचानक। ये प्रॉपर समय है जब ये कोर डिकम्प्रेशन नाम की जो एक सर्जरी रहती है जिसमें जॉइंट को बचाया जाता है, इस स्टेज में सबसे ज्यादा काम किया है। अगर ये पेशेंट जिसको इमीडिएटली इतना ज्यादा दर्द हो गया है, उसका एमआरआई पे डायग्नोसिस हो गया कि ही और शी हैज एवियन, दिस इज द प्रॉपर टाइम टू डू दैट कोर डिकम्प्रेशन। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को ये बताने के बाद अगर बताओ कि अभी आपको सर्जरी करानी है, तो वो उतना ही सीरियसली लेता नहीं है, बोलते कि भाई दे गो ऑन वंडरिंग कि भाई नहीं, हमें दवाई से ठीक करना है। अब कैसा रहता है, ये एवियन प्रोग्रेसिव डिसीज है, वो आज स्टेज 1 में है, कल स्टेज 2 में रहेंगी, फिर आगे बढ़ेगी वो। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप कौन से स्टेज में एवियन को पकड़ते हो, और उस स्टेज के हिसाब से एक्यूरेट ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि आवर गोल ये है कि अपने को ये जॉइंट को बचाना है। ठीक है, जॉइंट को अगर बचाना है आपको, तो आप सिर्फ स्टेज 1 और स्टेज 2 तक ही कर सकते हो। उसके लिए भी ये छोटी सी प्रोसीजर जिसे कोर डिकम्प्रेशन कहते हैं वो कर सकते हो। अगर समझ लीजिए, अगर ये पेशेंट अगर कुछ करता नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेता है, तो कुछ दिनों के बाद इसका दर्द कम होना है। एवियन में दर्द अगर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेते हो आप, आफ्टर फ्यू मंथ्स 2-3 मंथ्स दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा। दर्द कम हो जाता है, अकड़न चालू हो जाती है, चलने में जो पहले जो दर्द की वजह से लंगड़ाते थे, अभी दर्द नहीं रहेगा लेकिन लंगड़ना जरूर रहेगा, क्योंकि जब सब आपके मसल्स जो है वो टाइट हो जाते हैं। तो बहुत सारे एवियन के पेशेंट कहते हैं कि हमने फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया था या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया था, उसके बाद में दर्द तो चला गया लेकिन अभी अकड़न है, अभी हम नीचे पालथी मार के बैठ नहीं सकते, अभी बहुत थोड़ा सा खड़े रह लो या चलो तो फिर कूल्हे में दर्द चालू हो जाता है। ये वो पीरियड है जब स्टेज 2 के आगे चला गया है, या स्टेज 2 या स्टेज 3 के बीच में है। दिस इज दैट टाइम जब आपका बचाने का चांस जो है वो डायरेक्ट 90% से 50% पे आ जाता है, एंड आफ्टर दैट आपको फिर डायरेक्ट फिर जो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी है उसके बारे में ज्यादा सोचना पड़ता है। क्योंकि देखिए, जब हम सर्जन से एडवाइस करते कोई भी प्रोसीजर, भले ही कोल्ड डिकम्प्रेशन हो या हिप रिप्लेसमेंट हो, वी कैलकुलेट चांसेस कि ये पेशेंट को फिर से सर्जरी नहीं लगनी चाहिए आगे चल। और उसके साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसका जॉइंट बचाया जा सकता है या नहीं। जहाँ पे हमें लगता है कि भाई इसको बचाया जा सकता है और बचाने का चांस देना चाहिए, क्योंकि जो गॉड गिवन जॉइंट है उसकी कंपैरिजन हम रिप्लेस जॉइंट के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सा है, आपकी तकलीफ कितनी है, और ट्रीटमेंट के जस्ट पहले वाला एक्सरे चाहिए रहता है, जो करंट आज के डेट का जो एक्सरे है, जिसे हम यूजुअली कहते हैं कि आपको अगर कोर डिकम्प्रेशन करना है तो आज के डेट, आज फिलहाल कूल्हे में क्या चल रहा है आपके, वो देखना बहुत जरूरी होता है टू डिसाइड ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच सर, हमें पता चला कि ये एवीएन की ट्रीटमेंट कब लेनी चाहिए, जो भी स्टेज हो उनके हिसाब से ये ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी है। और ये पेन बढ़ जाता है, सर ने बोला कि ये पेन कम होने के बावजूद भी हम लंगड़ाना पेशेंट का चालू ही रहता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एवियन का इलाज जल्दी से हो और जो भी ऑपरेशन करवाना हो वो जल्दी से
करवा ले पेशेंट, ताकि वो हम हिप जॉइंट को अच्छे से बचा सके हमारे। ये हिप जॉइंट के अलावा सर शोल्डर जॉइंट में भी हो सकता, होने की संभावना है, तो वो भी हम सेम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाँ, उसमें भी दो ऑप्शन है। एक तो आप ये कोल्ड डिकम्प्रेशन कर सकते हो आप शोल्डर में, या फिर शोल्डर रिप्लेसमेंट लगता है। फिर रिस्ट में भी होता है, जिसे किन बॉक्स डिसीज बोलते हैं, जो एक लूनेट नाम का एक छोटा सा बोन रहता है, उसमें अवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है, उसमें भी होता है। एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे पेशेंट्स आके ये पूछते हैं इमीडिएटली स्टार्टिंग में, जब हम उनको एडवाइस करते हैं कोल्ड डिकम्प्रेशन की, सर ये दवाई से ठीक नहीं हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अभी हाल ही में एक ट्रीटमेंट, वो अभी भी रिसर्च में चल रही है, उसके ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं, एक मेडिकल रेजिमेन बनाया है कि जिसमें पेशेंट को कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट है मार्केट में, कुछ अलग दवाई नहीं है, वो एक टिपिकल कोर्स में, एक टिपिकल रेजिमेन में देते हैं पेशेंट्स को। लेकिन इश्यू विद दैट रेजिमेन इज आप उस टाइम के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज आपके कर नहीं सकते हो, वो दवाई आपको 8-9 महीने 1 साल लेना पड़ता है, और उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो अगेन वी कम बैक टू सेम कि भाई कोल्ड डिकम्प्रेशन करना है या हिप रिप्लेसमेंट करना है। उसमें तो शायद हमारा ग्रेड भी बढ़ सकता है। या डेफिनेटली। सो वो अभी कैसा है, अंडर रिसर्च चालू है, अभी तक ऐसी कोई ड्रग या ऐसा कोई दवाई नहीं बनी कि भाई आप खा लो और आपका इवेंट ठीक हो गया। बिकॉज वो बेसिकली एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है, एक भगवान ने दिया हुआ एक स्ट्रक्चर है हिप जॉइंट, वो स्ट्रक्चर में कुछ खराबी आई है, उसकी वजह से। थैंक यू सो मच सर, हमें पता चला कि एवीएन क्या है और ये सिकल में क्यों होता है। सिकल के अलावा भी अलग अलग पेशेंट में बीमारियों में दवाई स्टीरोइड्स लेने से ये हो सकता है, तो सर ने बताया उस तरह से हम सावधानी रख सकते हैं, और जब भी ग्रेड हमें मालूम पड़े तो उसकी ट्रीटमेंट ज़रूर करवाए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें आज बहुत पता चला। मिलते हैं इसकी अगली कड़ी में। थैंक यू सो मच सर।